अगर आपको जीपे के अंदर, गूगल पे के अंदर ग्रांट एसएमएस परमिशन, गूगल पे नीड्स योर एसएमएस परमिशन टू कंटिन्यू डिवाइस वेरिफिकेशन लिखा आता है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे? तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये काफ़ी सारे लोगों की इश्यू है जहाँ पर आपका गूगल पे के अंदर एसएमएस परमिशन बार बार आपको लिखा आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा अलग अलग तरीके से, जिससे आप इस प्रॉब्लम को हटा सकेंगे। उससे पहले हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ग्रांट और कैंसिल। तो आपको यहाँ पे ग्रांट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको ऐप इन्फो के अंदर ले जाएगा, और यहाँ पे गूगल पे की ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लास्ट में, या फिर आपके फ़ोन में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, एसएमएस के जो परमिशन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको अलाउ कर देनी है। ठीक है, एसएमएस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अलाउ करेंगे तो यहाँ पे एसएमएस की परमिशन अलाउ हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे बैक जाऊँगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग एसएमएस वगैरह होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से अगर आपको ग्रांट वाली परमिशन वगैरह नहीं लिखा रही तो उस केस में आप जो है, दूसरा मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसके लिए आप फ़ोन की सेटिंग खोलेंगे और ऐप्स में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप गूगल पे के ओपन कीजिए, परमिशन पे जाइए और एसएमएस के ऊपर क्लिक करके अलाउ कर दीजिएगा। तो ये दो अलग अलग मेथड मैंने आपको बता दिए है। आप एप्लीकेशन के थ्रू ट्राई डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन के सेटिंग से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।